सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इट्स का प्रोडक्शन। एंड आज हम इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके, जिसमें क्या आप स्क्रीन पे ये जो रील्स देख पा रहे हो जो कि काफी वायरल चल रहा है अभी हमारे इंस्टाग्राम में, इसे हम एडिट करने वाले। ओके, तो इस टाइप का वीडियो एडिट करने के लिए जस्ट हमें कैपकट एप्लीकेशन एंड एक कोई स्क्रीन रिकॉर्डर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना क्योंकि इस वीडियो में मैंने कम्प्लीट ट्यूटोरियल दिखाया। तो वीडियो को आप जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले आपको अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद अपने यहाँ पे ये फोटो वाले सेक्शन में चले आना है। ठीक है, देन यहाँ पे एक ऐसा फोटो चूज करना है जिसमें कि मीन्स आप स्टैंड हो और मीन्स थोड़ा सा बैकग्राउंड हो, ठीक है, एंड कुछ इस तरीके का हो। ठीक है, इस टाइप का मीन्स आपको फोटो सेलेक्ट करना है जिसमें कि आप खड़े हो एंड आपको फुट दिख रहा हो। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, इसका जो ड्यूरेशन है जस्ट उसे आप इंक्रीज कर देना एटलीस्ट 4 सेकेंड एंड उससे ज्यादा आप रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 सेकेंड कर देता हूँ। देन उसके बाद ये जो ब्लैक वाला पार्ट है जस्ट इसे आपको डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट कर लेने के बाद, इतना काम हो जाने के बाद सिंपली से क्या करना है, आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डर को यहाँ से ऑन कर लेना है। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो जाए देन उसके बाद क्या करना है, आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको स्टाइल पे क्लिक करना है एंड उसके बाद सिंपली से यहाँ पे आपको एक जूम प्रो या 3D जूम प्रो लिखा हुआ रहेगा, जस्ट इस पर क्लिक करना है एंड इसे रिकॉर्ड होने देना है। ठीक है, इस तरीके से ये मीन्स हो जाएगा 100%। देन उसके बाद यहाँ पे सिंपली से आपको डन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो इसे जस्ट मैं वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये हमारा 100% हो गया। स्टार्टिंग में आना है एंड डन पे क्लिक करना है, देन फिर से यहाँ पे आपको बैक करना है। बैक करने के बाद सिंपली से यहाँ पे आपको फिर से बैक करना होगा, देन यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको पार्टी वाले सेक्शन में आना होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉब को आपको जस्ट सेलेक्ट कर लेना है, स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा तो इसे आपको सेलेक्ट करना है एंड डन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्क्रीन रिकॉर्डर को बंद कर देना है। ठीक है, एंड इसको मीन्स डन कर देते हैं। इतना कर लेने के बाद सिंपली से आपको यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद आपको एक न्यू प्रोजेक्ट फिर से कैपकट में ही बना लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं, इस बार में वीडियो वाले सेक्शन में चले जाना होगा एंड अभी जो हमने स्क्रीन रिकॉर्डर से मीन्स वीडियो को रिकॉर्ड किया है जस्ट उस वीडियो को सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें एक म्यूजिक इम्पोर्ट करना है। सो म्यूजिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जस्ट आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना। वीडियो फॉर्मेट में है तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लेना। देन उसके बाद आपको ऑडियो पे क्लिक करना है एंड देन एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली से जो वीडियो मीन्स आप डाउनलोड करो उस वीडियो को जस्ट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ऐड पे क्लिक करते हैं, हमारा म्यूजिक ऐड हो जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे आपको 15 सेकंड पे आना है। ठीक है, यहाँ पे 15 सेकंड पे आना है, देन यहाँ पे आपको एक ये जो दिख रहा है ना डाउन जाके फिर अप मीन्स यहाँ पे बीट है तो आपको यहीं पे आना है एंड देन इस पर ऑडियो पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे मैच आउट या मैच कट है क्या है देखा नहीं मैंने, इस पर क्लिक करके ऐड बीट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैच कट पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद ऐड बीट पे क्लिक कर देना। ओके, नाउ उसके बाद क्या करना है, ये जो आपने मीन्स वीडियो यहाँ पर ऐड किया जस्ट इस वीडियो को आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड जहाँ से आपका मीन्स स्ट्रॉब इफेक्ट को आप अप्लाई कर रहे हो जस्ट वहाँ तक आपको इसे स्क्रॉल करते हुए जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं एंड स्ट्रॉब इफेक्ट पर देख लेते हैं कहाँ पर मीन्स हमने अप्लाई किया। सो फिलहाल यहाँ पहुँच चुका हूँ मैं, यहाँ पर हमने स्ट्रॉब इफेक्ट को अप्लाई किया था। ठीक है, तो उसके थोड़ा सा पहले आना होगा एंड इसे स्प्लिट पर क्लिक करना है एंड ये जो मीन्स वीडियो यहाँ पर आई है जस्ट इसका स्पीड आपको मीन्स छेड़खानी करना होगा ताकि यार ये मीन्स 15 सेकंड में आके रुक जाए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्पीड पे क्लिक करते हैं एंड नॉर्मल पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद इसका जो ड्यूरेशन आप देख सकते हो मीन्स 34 सेकंड, तो 34 सेकंड है, तो अगर इसे हमें 15 में करना है तो मीन्स 2x तो करना ही होगा कम से कम। देन उसके बाद 2.1 कर लेते हैं, फिर 2.2, तो यहाँ पे देख सकते हो 15.7 आ गया। सो इसे हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, 2.3 करते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा 15 सेकंड में आ चुका है। देन इसे हमें डन पे क्लिक करना है, देख सकते हो ये बीट का मीन्स बहुत ही नज़दीक है तो रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको इसे प्ले करना है एंड उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे वीडियो बन के रेडी हो चुके हैं। जस्ट उसके बाद क्या करना होगा, ये जो म्यूजिक जहाँ से आपका खत्म हो रहा है यहाँ पे आना एंड अपने वीडियो को भी जस्ट आपको स्प्लिट करना है। देन इसे यहाँ से आपको डिलीट करना है एंड ये वीडियो बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, विथ सॉन्ग में यहाँ पे जस्ट एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ।
सो काफी सही तरीके से ये हमारे वीडियो बन के रेडी हो चुका है। देन यहाँ पे यार इसमें भी आपको ब्लैक कलर मिलेगा, सो इसे आप डिलीट कर देना। देन उसके बाद एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना एंड इसे एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से करके यार आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा मेथड था। अगर आप वीडियो को सही तरीके से देखो, मीन्स आराम से देखो बिना स्किप किए, तो आप यार रियली इसे क्रिएट कर लोगे, ठीक है। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।